पूरी तरह से मायूस है, पिटी है, तरस में, करुणा में, कृपणा में पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। तो हिम जो पूरी तरह से कृपया कृपणा मीन्स पूरी तरह से तरस, दयानीय तरस काबू में, आंख में आंसू है। इमेजिन कीजिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा, फर्स्ट ओवर की गेंद आने वाली है, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने जा रहा और शोएब अख्तर की गेंद है, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने वाला और उस समय सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंसू आ जाए, हाथ कपकपी होने लगे, पांव कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए और जमीन पे क्रीज में बैठ जाए, क्या होगा उस दिन? लोग टीवी तोड़ देंगे। उससे भी भयंकर सिचुएशन है। महाबाहु अर्जुन जिसके लिए युद्ध ऐसा था जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट, एम एफ हुसैन के लिए पेंटिंग, लता मंगेशकर के लिए गाना गाना, अमिताभ बच्चन के लिए एक्टिंग करना सहज था, लेकिन मोह में आके कोलैप्स हो गया और उस कोलैप्स हुए आंखों में आंसू है भरे हुए व्याकुल शोकपूर्ण अर्जुन के प्रति। हीरो था जो हीरो है वो घबरा गया। जब तक समस्या किसी और की, हम सब ज्ञानी है। जब तक समस्या किसी और की, हम सब ज्ञानी है। When it hits you, it hits you. It hits you. तो अर्जुन शोकग्रस्त है। सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, सेंटिमेंटल होना खराब है। इमोशन अच्छे हैं बट इमोशनल होना खराब है। अरे हम इमोशनल हो जाते हैं। और ये अर्जुन की बात नहीं, हमारी और आपकी बात है। रोज होते हैं, हर क्षण होते हैं, हर घड़ी, हर कोने, हर कोने में इमोशन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइफ को सीरियसली नहीं देखा, कैजुअली देखा। हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। ये आईटी एटीट्यूड जो है वो आपको मुझको हमेशा दबा के रखता है। सेंटिमेंट्स हो, सेंटिमेंटल ना हो, वरना आप भी अर्जुन की तरह, आप भी इमोशन होने अच्छी बात है, इमोशनल ना होने की, क्योंकि यदि आप इमोशनल हो गए तो आप भी अर्जुन की तरह क्रूशियल मोमेंट में कोलैप्स हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हार्ट अटैक और डिप्रेशन। क्रूशियल मोमेंट जब सबसे ज्यादा विवेक की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा विवेक की जरूरत होती है, हम इमोशनल हो जाते हैं। Then you need somebody else. इसे संजय ने बोला, अर्जुन ने बोल रहे हैं। जब बीमार होता है आदमी डॉक्टर के पास जाता है, खुद बताता है, लेकिन जब बहुत बीमार हो जाता है तो उसके साथ जो आदमी गया, असिस्टेंट गया, उसको बताता है। आंसुओं से आंसू भरे हुए, हाथ कांप रहे, व्याकुल है। ऐसे डिप्रेशन में बैठे हुए व्यक्ति को भगवान जी यदि युद्ध भूमि में रिवाइव कर सकते हैं तो आपकी मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है। ऐसे स्थिति में जहां पे युद्ध होने वाला है, कल मरे जिए पता नहीं, क्रूशियल मोमेंट है लाइफ का। एट दैट मोमेंट यदि गीता जी कैन रिवाइव एन इंडिविजुअल, हमारी और आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। हमें कौन सा कल युद्ध में जाना है और अभी युद्ध में जाना है। हम तो शांत है, आराम से बैठे, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन ज्यादा बेटर है क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं है। अंदर से, हमारे अंदर से हारे हुए व्यक्ति को